अभी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द टेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। वी हैव ऑलरेडी रेड अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द पार्ट ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो यह प्रश्नवाचक शब्द कल आपको बताया गया था कि यह प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आ जाए तो इंटरगेटिव सेंटेंस। कल आपके बारे में जानकारी देंगे, कल हम इंटरगेटिव सेंटेंस के बारे में जानकारी देंगे। तो आज पढ़ा रहे हैं इंटरगेटिव सेंटेंस। यह प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आ जाए, इसका पहला भाग है, ये पहला भाग है प्रश्नवाचक शब्द का। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आ जाए तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल या शायद प्लस सब्जेक्ट प्लस आई बीइंग प्लस आईएनजी मींस मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस आर प्लस टाइम। ये हमारा रूल हो गया। आपका रूल्स ऑफ द ट्रांसलेशन, अनुवाद करने के नियम क्या है उसके बारे में आप देख लिए। अब हम आपको कुछ सेंटेंस दे रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे दे दिया जाए क्या राधा कल क्या राधा दो दिन से स्कूल जा रही होगी। ये आपका सेंटेंस हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, विल राधा हैप्पी। क्या लिखोगे, विल राधा हैप्पी गोइंग टू स्कूल पार्ट टू डे। क्या लिखोगे, ये आपका हो गया पहला भाग का एग्जाम्पल। क्या राधा दो दिन से स्कूल जा रही होगी, विल राधा हैप्पी गोइंग टू स्कूल पार्ट टू डे। उनका बेटी का पहला भाग है। अब इसका हम दूसरा भाग लिखने जा रहे हैं। दूसरा भाग आपका क्या होगा, उसके रूल क्या होंगे। यह प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी प्लस क्या लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब में क्या रहेगा, या शायद प्लस सब्जेक्ट रहेगा प्लस हैप्पी। क्या रहेगा, हैप्पी प्लस क्या रहेगा, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट हो गया प्लस सिंस फॉर्म हो गया प्लस टाइम हो गया। तो आपका रूल बन गया इंटरगेटिव का दूसरा रूल, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो पहले आया था, अभी बीच में तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी। इसके बाद ये सारे रूल हैं, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। एग्जाम्पल क्या होगा, वह दो महीने से से
वह दो महीने से खाना कहाँ खा रहा होगा? कहाँ खा रहा होगा? ये आपका एग्जाम्पल हो गया। हम क्या कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? कृष्णवाचक शब्द की अंग्रेजी कहाँ? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वेयर। हेल्पिंग वर्ब क्या है आपका? विल या शायद? क्या लिखोगे वाक्य के साथ? विल, विल ही हैव बीन। क्या लिखोगे? हैव बीन। खा रहा होगा क्या? ईटिंग, ईटिंग फूड। ऑब्जेक्ट लिखोगे सिंस या फॉर? इसमें दो महीने हैं तो क्या लगेगा? हाँ, eating food for 2 months। ये आपका इंटरगेटिव सेंटेंस का दूसरा भाग हो गया। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इंटरगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ये प्रश्नवाचक और नकारात्मक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो सबसे पहले क्या लिखो? तो सबसे पहले क्या लिखोगे? सबसे पहले लिखोगे प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी। क्या लिखोगे? प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी प्लस क्या लिखोगे? तुमने हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, विल या शायद आएगा, प्लस क्या आएगा? प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस नॉट आएगा, प्लस हैव बीन क्या आएगा? प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये आपका रूल बन गया। अपन सेंटेंस आपको दे रहा हूं एग्जांपल के तौर पे, आप अच्छे से समझते जाइए क्योंकि आपका टेस्ट की समाप्ति आ जाए। एग्जाम्पल आपका क्या हो गया? लड़के सोमवार से जी क्यों नहीं जा रहे होंगे? मान लो ये आपका सेंटेंस हो गया तो हम क्या लिखेंगे? क्योंकि अंग्रेजी लिखेंगे वाई हो गया, वाई वे द बॉयज। क्या लिखोगे? वाई विल द बॉयज नॉट हैपी। क्या लिखोगे? नॉट हैपी, नॉट हैपी सिंगिंग, सिंगिंग ऑसम। सोमवार से सिंस मंडे। क्या लिखोगे? सिंस। ये आपका हो गया सेंटेंस। लड़के सोमवार से गीत क्यों नहीं गा रहे होंगे? Why will the boys not have been singing a song since Monday? तो आज हमने आपको सारे टेंस के बारे में जानकारी दी, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में तीनों आपका सेंटेंस पढ़ा दिया गया। अब अगले वीडियो में आपका चेंज द वॉइस शुरू होगा। सभी बच्चों को जितने टेंस पढ़ाए गए हैं सभी को बारीकी से समझने की जरूरत है। बिना टेंस के आप चेंज द वॉइस नहीं कर सकते हो, इसलिए सारे टेंस के सारे भाग को अच्छे से बेहतर से जानकारी करेंगे, उसको ध्यान देंगे, पढ़ेंगे, तब आपको चेंज द वॉइस अर्थात डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझ में आएगा।
लाइक और सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए, इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। थैंक यू। प्रश्नवाचक और नकारात्मक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो सबसे पहले क्या है? तो सबसे पहले क्या लिखोगे? सबसे पहले लिखोगे प्रश्नवाचक सत्यम। क्या लिखोगे? प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सत्य अंग्रेजी प्लस क्या लिखोगे? तुमने लिखोगे प्लस क्या आएगा? प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस नॉट आएगा, प्लस हैपिंग क्या आएगा? हैपिंग प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंसियर फॉर आप अच्छे से समझते जाइए, क्योंकि आपका टेस्ट की समाप्ति आ जाए। एग्जाम्पल आपका क्या हो गया? लड़के सोमवार से क्यों नहीं जा रहे होंगे? मान लो ये आपका सेंटेंस हो गया, तो हम क्या लिखेंगे? क्योंकि अंग्रेजी लिखेंगे भाई हो गया भाई वे द बॉयज। क्या लिखोगे? भाई विज द बॉयज नॉट हैप्पी। क्या लिखोगे? नॉट हैप्पी, not have been singing, singing or swimming सोमवार से, since Monday। क्या लिखोगे? since, ये आपका हो गया sentence। लड़के सोमवार से गीत क्यों नहीं गा रहे होंगे? Why will the boys not have been singing a song since Monday? तो आज हमने आपको सारे टेंस के बारे में जानकारी दी, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में तीनों आपका सेंटेंस पढ़ा दिया गया। अब अगले वीडियो में आपका चेंज द वॉइस शुरू होगा। सभी बच्चों को जितने टेंस पढ़ाए गए हैं सभी को बारीकी से समझने की जरूरत है। बिना टेंस के आप चेंज द वॉइस नहीं कर सकते हो, इसलिए सारे टेंस के सारे भाग को अच्छे से बेहतर से जानकारी करेंगे, उसको ध्यान देंगे, पढ़ेंगे, तब आपको चेंज द वॉइस अर्थात डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझ में आएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। थैंक यू।